हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली ERP-9 और प्राइम को लेकर के है और दोनों ही के बीच में स्टॉक आइटम में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम मल्टीपल स्टॉक आइटम की तरफ जा सकते हैं और मल्टीपल स्टॉक आइटम को कैसे हम टैली ERP-9 में यूज करते थे और प्राइम में कैसे यूज करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ERP-9 अगर आप यूज कर रहे हैं अभी भी, हालांकि प्राइम में आ गए होंगे शायद, लेकिन अगर आप अभी भी ERP-9 यूज कर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं ये ERP-9 ही ओपन किया है मैंने और इसमें इन्वेंट्री इन्फो आपको दिख रहा होगा। ये इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आइटम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं यहां पर आपको मिलती हैं। गेटवे ऑफ टैली आपकी मुख्य मेन्यू है, मेन मेन्यू है टैली की, और यहां पर इन्वेंट्री इन्फो में आपको स्टॉक आइटम से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाना है तो गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए यहां पर इन्वेंट्री में आई जो है रेड में दिख रहा है आपको, आप केवल कीबोर्ड से आई प्रेस कीजिए, आप यहां पे आ जाएंगे और फिर आपको मिलता है यहां पर स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में जाने के लिए केवल आपको आई प्रेस करना है, तो आई प्रेस कर दीजिए। यहां पर आपको सिंगल और मल्टीपल स्टॉक आइटम दिखेगा, ठीक है। अगर सिंगल बनाना चाहते हैं तो यहां से बनाइए, मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो यहां से बना सकते हैं। तो यहां पर आर जो है डिफरेंट वे में दिख रहा है हमें, तो हम केवल आर प्रेस कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट कराना। तो यहां पर जाएंगे और पहला स्टॉक आइटम का नाम यहां पर मैं लिख देता हूं, लाइक यहां पे कर देता हूं कीबोर्ड, तो ये लिख दिया मैंने कीबोर्ड, ठीक है। तो ये पहले स्टॉक आइटम का नाम हो गया। यहां पर इसको किसके अंडर में डालेंगे, कीबोर्ड का ग्रुप क्या है, तो ग्रुप भी आप बना सकते हैं। यहां पर कीबोर्ड का ग्रुप डाल देता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये डाल दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटर प्रेस किया। यहां पर देख सकते हैं अंडर दिया हुआ है, तो यहां पे प्राइमरी ही रखिए आप और फिर एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहां पर यूनिट बनाना कंपलसरी है, तो यहां पे अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यूनिट बना सकते हैं। तो कीबोर्ड परचेस करेंगे तो नंबर्स में परचेस करेंगे, तो यहां एनओएस कर देते हैं और यहां लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है। तो फॉर्मल नेम में नंबर्स कर दिया, आप कीबोर्ड 2.5, 3.5, 3.5 तो खरीदेंगे नहीं, होल नंबर में खरीदेंगे, तो इसीलिए यहां पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये पहला जो स्टॉक आइटम है वो हमारा क्रिएट हो गया। अब यहां पे कह रहा है ओपनिंग क्वांटिटी, मतलब कि कितनी क्वांटिटी आपके पास है वो ओपनिंग क्वांटिटी आप यहां पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 50 कीबोर्ड है आपके पास, तो 50 डाल दीजिए यहां पे, रेट क्या पड़ा वो डाल दीजिए, 200 रुपए रेट पड़ा तो ये डाल दिया हमने, तो यहां टोटल अमाउंट आ गया। अब फिर यहां पर आए तो दूसरा स्टॉक आइटम की बात करते हैं, तो यहां पे हम माउस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं मैं MOUSE, माउस कर दिया, एंटर प्रेस किया। यहां पे इसे माउस को भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डालेंगे और यहां पर ये भी नंबर्स होगा और माउस की 100 क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास और एक की कीमत है 120 रुपए, तो ये हमने डाल दिया और यहां पे टोटल आ गया है। तो देखिए मल्टीपल स्टॉक आइटम टैली ERP-9 में ऐसे बनता है। अब देखिए एक और कर देता हूं इसी में, ठीक है। तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक सपोज कीजिए LCD, तो ये लिख दिया मैंने LCD, ठीक है। तो ये LCD आगे कर देते हैं मॉनिटर, तो ये लिख दिया मैंने LCD मॉनिटर और एंटर प्रेस कीजिए। इसका भी ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ग्रुप अलग से भी बना सकते हैं, कोई और स्टॉक आइटम हो मैं अभी वो भी दिखाता हूं। तो यह क्वांटिटी डाल देते हैं 7, ठीक है, और यहां पे इसकी कीमत कर देते हैं 7000 रुपए, तो ये 7000 कर दिया और यहां पे टोटल आ गया। इसी तरीके से अब हम एक डिफरेंट बनाते हैं, लाइक यहां पे करते हैं RICE राइस, तो राइस का एक ग्रुप डिफरेंट होगा, तो यहां से ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं और उनके साथ सी प्रेस कीजिए, ग्रुप बना लीजिए। तो यहां पे मैं कर देता हूं ग्रोसरी आइटम, तो ये हमने डाल दिया ग्रोसरी आइटम, ठीक है। तो ये ग्रोसरी आइटम के ग्रुप में जाएगा, तो ये ग्रोसरी आइटम कर दिया हमने और एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कराइए, तो ये चला जाएगा ग्रोसरी आइटम में। और यहां पर डाल दीजिए NOS, NOS डालेंगे नहीं, यहां पर एक स्पेशल यूनिट बनेगी राइस के लिए, राइस नंबर में नहीं बिकता है, ठीक है। तो यहां पे सिंबल में कर देता हूं KG, फॉर्मल नेम में किलो और यहां पर डेसिमल प्लेसेस क्या रखेंगे हम, 3 रख देंगे क्योंकि आधा किलो बिकता है तो उसके लिए हमें 3 रखना होगा, ठीक है। और यहां पर 100 किलो राइस हमारे पास उपलब्ध है, तो ये 100 किलो डाल दिया हमने, ठीक है। ओपनिंग क्वांटिटी 100 किलो है और यहां पर 1 किलो की कीमत डालनी है हमें, तो 40 रुपए 1 किलो की कीमत डाल दी हमने। दूसरा स्टॉक आइटम हम यहां पे शुगर बना लेते हैं, तो ये शुगर लिखा हमने और यहां पर टैब बटन प्रेस किया। यहां पर देखिए ग्रुप्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रुप्स कोई भी ले सकते हैं जिसमें आपको शामिल करना हो। भाई शुगर है
तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो होगा नहीं, तो ग्रोसरी आइटम होगा ये, तो ग्रोसरी आइटम में जाते हैं और यहां पे किलो यूनिट बना रखा है हमने, यहां पर जाएंगे और फिर यहां पर जैसे ही आते हैं तो ओपनिंग क्वांटिटी, तो मान लीजिए 120 किलो चीनी आपके पास उपलब्ध है, ठीक है, और 1 किलो की कीमत 44 रुपए है, तो ये डाल दिया हमने। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टॉक आइटम बना सकते हैं, अगर एक बार में इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए, ये सेव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप टैली ERP-9 में बनाते थे। अब प्राइम की कहानी क्या है, यहां पे देखेंगे तो यहां पर आपको इन्वेंटरी नाम की चीज नहीं दिखेगी, तो यहां क्रिएट दिया हुआ है, देखिए ना ऊपर एकदम क्रिएट दिया हुआ है, तो क्रिएट पे जाएंगे तो आप यहां पे आएंगे, देखिए ये जो है स्टॉक आइटम है, तो यहां पर आपको मल्टीपल नहीं दिखेगा, यहां पर डायरेक्टली इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहां से मोर डिटेल पे जाते हैं तो ये देखिए ये मोर डिटेल में आ गए, तो यहां पर भी आपको कोई बहुत खास नहीं दिखेगा कि यहां पर मल्टीपल आपको यहां पर दिखेगा नहीं, मल्टीपल नहीं दिखेगा आपको, तो क्या करेंगे, तो यहां पर सो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिए, तब भी आपको मल्टीपल स्टॉक आइटम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो मल्टीपल स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से पहले बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये बाहर आ गए, अब हम कहां चलते हैं और बाहर आ जाते हैं, और हम चलते हैं कहां, सीधा चार्ट ऑफ अकाउंट पे, ये आ गए, यहां पे एच जो है हमें डिफरेंट वे में दिख रहा है तो एच प्रेस कर देते हैं, ये आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट पे। अब हमें चलना है स्टॉक ऑफ आइटम पर, तो ये स्टॉक आइटम पे क्लिक कर दिया। अब यहां पर देखेंगे तो यहां आप मल्टीपल स्टॉक आइटम बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए ये नीचे एक लाइन बनी हुई है एच के ठीक नीचे, तो इसे हम अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, तो अल्ट एच जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहां मल्टी क्रिएट आ जाता है, देख सकते हैं आप मल्टी अल्टर भी कर सकते हैं, मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं, अल्टर करिए अदरवाइज मल्टी क्रिएट कर लीजिए। तो मल्टी क्रिएट पे चलते हैं, यहां ऑल आइटम्स आ गया, यहां पर हम स्टॉक आइटम बनाते हैं, तो पहले मैं लिखता हूं RICE राइस, एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी मौजूद है वीट WHEAT वीट कर दिया, एंटर प्रेस किया, वीट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो नहीं है कम से कम, ठीक है, ग्रुप पहले से बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हम यहां पे ग्रुप बना लेते हैं क्रिएट पे जाकर के, और यहां पे मैं कर देता हूं ग्रोसरी, ठीक है, तो ये ग्रोसरी कर दिया हमने, ग्रोसरी केवल ग्रोसरी लिखते हैं इस बार, ठीक है, एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराया। अब यहां पर देखिए ये पहले से मैंने यूनिट क्रिएट कर रखी है, तो आप यहां पे केजी कर सकते हैं, क्योंकि वीट जो है केजी में ही बिकेगा, ठीक है, और यहां पे ओपनिंग क्वांटिटी दिया हुआ है, तो यहां कर देता हूं मैं 50 किलो, ठीक है, ये कर दिया हमने, और यहां पे रेट डाल देते हैं, तो गेहूं की कीमत 15 रुपए किलो यहां पे हम डाल देते हैं, तो ये 750 रुपए आ गया। और दूसरा स्टॉक आइटम बनाते हैं हम, गेहूं तो हमने बना लिया, दूसरा स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं मेज, यानी जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, तो उसका भी हम बना लेते हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं एम, तो ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, यहां पर आएंगे तो ये भी क्या है, ग्रोसरी है, तो यहां पे ग्रोसरी कर देते हैं, और बाकी ये भी किलो में आएगा, ठीक है, तो ये किलो कर देते हैं, और यहां पे मान लीजिए 50 किलो मक्का भी है हमारे पास, और 1 किलो की कीमत है 35 रुपए, तो ये डाल दिया हमने, यहां पे आए। अब हमको अलग से एक और स्टॉक आइटम बनाना है, जैसे हम यहां कर देते हैं मस्टर्ड ऑयल, तो ये लिखा मैंने मस्टर्ड ऑयल OIL, ये डाल दिया सरसों का तेल, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये भी ग्रोसरी का ही आइटम है, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे हमने LTR बना रखा है, यानी लीटर, तो आप भी बना सकते हैं, यूनिट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे जाएंगे ऊपर आपको क्रिएट दिखाई पड़ रहा है, ये खास फीचर है टैली प्राइम का, जो टैली ERP-9 को टैली प्राइम से अलग बनाता है, तो यहां पे लीटर कर दीजिए, और अगर आपने नहीं बनाया तो यहां पे क्रिएट पे जाके बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिलहाल मैं कर देता हूं लीटर, और एंटर प्रेस करता हूं लाइक 50 लीटर तेल हमारे पास मौजूद है, और यहां पे कर देता हूं प्राइस 180 रुपए लीटर, तो ये कर दिया हमने। इसी तरीके से और भी कोई स्टॉक आइटम हो तो आप बना सकते हैं, लाइक जैसे मैंने वहां पे बनाया कीबोर्ड माउस, तो यहां पर भी बना के दिखाता हूं, देखें पहले से मौजूद तो नहीं है, तो ये हमारे पास पहले से मौजूद है, तो इसको छोड़ देते हैं, कुछ और बना लेते हैं, लाइक यहां पे मैं कर देता हूं पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव शायद नहीं मौजूद है, तो यहां पे लिख देता हूं पेन ड्राइव, और एंटर प्रेस करता हूं, ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आइटम है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं, ठीक है, और यहां पर NOS कर देते हैं, पेन ड्राइव बिकेगा तो ये नंबर्स में बिकेगा, ठीक है, और हमारे पास 10 पेन ड्राइव मौजूद है, तो एंटर प्रेस करिए, और यहां पे कीमत डाल दीजिए इसकी 600 रुपए, एंटर प्रेस कीजिए, बस हो गया काम, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई आपके पास है तो आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, और एंटर प्रेस करते हैं, और एंटर प्रेस करते हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम मल्टीपल स्टॉक आइटम ERP-9 और प्राइम दोनों ही में बना सकते हैं।